मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए वीडियो में आप लोग का सबका मैं स्वागत करता हूँ। अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे और मैं आज निकला हूँ एक साइकिल छोटी सी राइड मारने, साइकिलिंग के लिए। यूजुअली मैं हमेशा वीक में एक या दो बार जाता हूँ साइकिल लेके, तो ये टाइम मैं सोचा ब्लॉग बना दूँ। तो मेरा पहले प्लान था कि मैं मुलशेद क्रीक जाऊँ, वहाँ पे सनराइज़ एंजॉय करूँ, पर सनराइज़ ऑलरेडी हो चुका है और मैं थोड़ा लेट हूँ। अभी 7 बज रहे तो सनराइज़ अगर एंजॉय करना रहता तो अंधेरे में निकलना पड़ता, और अभी अंधेरे में निकल के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना था। तो अभी मैं कुछ ऐसा प्लान करता हूँ आगे, अभी तो मैं कुछ डिसाइड नहीं किया कि जाना किधर है, पर देखते हैं कहीं ना कहीं तो जाएंगे। जैसा होगा मैं आप लोग को अपडेट दूंगा। फिलहाल तो जो मॉर्निंग का मज़ा आ रहा है ना साइकिल चलाने में, एक नंबर मज़ा है। हाँ, साइकिल पार्टनर कोई भी नहीं है और मैं अपने घर से निकला हूँ घोड़बंदर से, तो यहाँ से ऑलमोस्ट अगर कोलशेद खाड़ी जाऊँगा तो हो जाएगा कुछ 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना। पर सनराइज़ ऑलरेडी हो चुका है तो मैं सोच रहा कहीं और जाने का। मैं आपको अपडेट देता हूँ, तब तक आप ये थोड़ा व्यू एंजॉय करो मॉर्निंग का। का एक मज़ा है कि आज मॉर्निंग में ट्रैफिक नहीं रहता है, अपन आराम से जा सकते हैं। और हाँ, एक बात गाइस आप लोग को बोलता था कि अगर आप लोग मॉर्निंग में साइकिल राइड पर निकल रहे तो हेलमेट पहनना ना भूलिए। मेरे पास है नहीं साइकिल हेलमेट, क्योंकि मैं प्रोफेशनली नहीं चलाता साइकिल, कभी कभी चलाता हूँ। म्यूज़िक के बिना मॉर्निंग इनकम्प्लीट है, तो थोड़ा सा म्यूज़िक बजे, आप लोग भी सुनो म्यूज़िक। तो गाइस मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं मेडोज जाऊँ। मेडोस मेरे इधर से ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर है, तो वहाँ की मिसल आज खाऊँगा, मामलेदार नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। मामलेदार के लिए थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, अरे सनराइज से पहला निकलना पड़ेगा। तो फिलहाल गाइस हम लोग यहीं पे जाते हैं मेडोस में, उधर का भी मिसल एक नंबर है, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा जब पहुँच के। तो जो दादा है उनसे भी बात कराऊँगा, थोड़ा पहचान वाले अपने, तो उनसे थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी निकालेंगे रेसिपी की। सो गाइस ये बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है फर्स्ट टाइम मेरे लिए, तो यहाँ पे एक माउंट लगाया है, यहाँ पे एक माउंट लगाया है, काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है साइकिल चलाने में। हाँ, एक सीन हो गया, जो मैंने सामने ट्राइपॉड लगाया था वो टूट चुका है मैंने थोड़ा उसको एक्सटेंड लेवल तक लेके गया था, अब वो टूट चुका है, तो जो भी है अभी हाथ से पकड़ के चलाना है।
अभी मैं वॉकविल पहुँचने आया हूँ, जो मेरा डेस्टिनेशन है वहाँ से हाफ तक ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, 20 से 25 मिनट लगा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मॉर्निंग का क्या मज़ा आ रहा है यार, रोड एकदम बिल्कुल भी खाली है। गाइज अभी मैंने आज़ाद नगर का सिग्नल क्रॉस कर लिया है, अभी मानपड़ा पहुंचूंगा और वहां से 10-15 मिनट लगेगा। और एक बात आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप लोगों को साइकिल राइड करना है तो उसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल साइकिल लेने की ज़रूरत नहीं है या कुछ प्रोफेशनल गेयर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन्जॉय करना है एक छोटा सा राइड, हाँ अगर आपको प्रोफेशनली कुछ करना है, अगर आपका कोई गोल है या आपको अचीव करना है तो आपको उतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। पर मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, साइकिल लेते हैं लोग, एक महीना दो महीना चलाते उसके बाद में वो भंगार में जाती है। आपको अगर आप गोल के तरफ सीरियस हो, आपको साइकिलिस्ट बनना है तो ही उतना पैसा इन्वेस्ट करना, या तो भी आपको नॉर्मल राइड्स करना है हफ्ते में या महीने में एक बार, तो आप कोई भी साइकिल लेके निकलो, मज़ा आने ही वाला है। ये एंड ऑफ टाइम में राइड का मज़ा है रे, आप कौन सी साइकिल चला रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप साइकिल चला रहे हो ये मैटर करता है। तो देखो मेरी भी साइकिल कोई प्रोफेशनल साइकिल नहीं है और ना मैं कोई प्रोफेशनल साइकिलिस्ट दिख रहा हूँ, मैं कभी कभी चलने वाला बनता हूँ। यूजली मैं व्लॉग्स करता हूँ बाइक्स पे वगैरह या फूड पे, बात थोड़ा साइकिल कर चलाने का मन था तो साइकिल चला रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं मानपड़ा पहुँच चुका हूँ, थोड़ा कैमरा अंदर रखता हूँ, फिर आपको मेडोस या ऊपर सर्कल के अंदर जाके वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस अभी मैं खेड़ा सर्कल के अंदर पहुँचने आया हूँ। ये जो प्लेस है ना सब मॉर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट है, यहाँ पे लोग रनिंग साइकिलिंग और जो भी मॉर्निंग एक्टिविटी रहती है इसे यहाँ पे काफ़ी होती है, तो आप लोग देख ही सकते हो। तो अभी चलता हूँ डायरेक्ट मिस्टर लॉले के इधर, पहुँच के आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ और दादा से भी बात करते, उनसे जानते थोड़े से, उनकी बातें सुनते। तो लेट्स गो। तो गाइज़ मैं यहाँ पे तो पहुँच गया हूँ, मेरे दोस्त का मैं वेट कर रहा हूँ, उसका फैमिली आने वाला है, तो आज हम लोग पूरा उसका फैमिली और मैं आज मिस्टर इन्जॉय करने वाले हैं। और दादा के इधर हम लोग आए, उनसे भी इंट्रो कराएंगे, उनको आने दो थोड़ा टाइम के बाद वो लोग आएंगे, तो आप लोग को उनसे भी मिला दो। और लेट्स सी, आज संडे मॉर्निंग है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, एकदम शाम भूख लगी है बहुत ज़ोरों से, पर वेट करना पड़ेगा थोड़ा टाइम, उनके आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। लोग आएंगे वैसे ऑर्डर देंगे और खाएंगे। कितने कप तो कांदा एक दिशा 15 किलो कांदे कप तो वड़ा निकल रहा। क्या दादा फुल बिजी है? हो गया है? एक टिकट दे दो। तो अभी हम लोग दादा के इधर आया, दादा शॉप का नाम क्या है अपना? जय महाराष्ट्र। एक नंबर मिस्सा मिलता है, आप लोग कभी भी मॉर्निंग में आना चाहते हो तो यहाँ पे जरूर आना। हाँ मैं तो टिकट ले रहा है, आप लोग को अगर टिकट नहीं जमेगा तो मीडियम लेना है, क्यों दादा बहुत खतरनाक मिसाइल बनाता है। ये आ गए हमारी मिसाइल, वो लोग तो आए नहीं अभी तक, अरे फाइनली ये लोग भी पहुँचे।
मुझे लगा दुकान बंद करने के बाद आएगा। ए बाबू बाबू रेसिपी का है, रेसिपी कसा बनवा तो भाव बनवा तो क्या काय काय टाकता मसाला टाकता ना, मसाला कांदा हे सगळं टाकता। अच्छा ते मोठे भाव आहे का ते बनवतात सगळे। अच्छा ना तुमचा गाव कुठला? नगर, अहमदनगर। नगर? अरे नगरचे खायला ना। अच्छा दादा पीछे से आगे बोले। हाँ हमारा सचिन नाम है, सचिन डमरे। सचिन डोमरे? डोमरे नहीं, डमरे। डमरे डमरे। और आपका गांव किधर है? अहमदनगर। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर। टेल्स पार्नियर? टेल्स पार्नियर। टेल्स पार्नियर तो हाँ लेगा ना। तो दादा भी सह्याद्री के इधर से ही आए ना? सह्याद्री के इधर से ही हो। बताया रेसिपी क्या है इसका, मेरे को भी बताओ क्या डालते क्या है इसमें। हम मसाला जो बनाते हैं हम घर भी घर के अपना घर घर घूरते रहते हैं घर में वाला मसाला, जैसे बाहर के मतलब कुछ नहीं रहता है, सब खेत में से निकाल के वो मसाला बना देते हैं। अच्छा सब एकदम जो गांव से लेके आते हैं? हां गांव से, गांव से यहां नहीं मिलता है उसमें। हां तो वही टेस्ट में भी लगता है कि एकदम गांवटी जो टेस्ट है वो गांव का ही टेस्ट है। आप लोग को इधर के मसाले एकदम अभी सब नकली आते हैं? सब नकली नहीं, यहाँ पूछते हैं तो यहाँ बोलते हैं वो माल हमारे पास नहीं आता है करके ऐसे बोलते हैं यहाँ के दुकानदार। तो भी ना इधर के मसाले में वो चाव नहीं है जो अपने गांव में है, जो अपने मसाला यूज करने से टेस्ट लगता ही नहीं है। हाँ क्योंकि केमिकल डाल के बाहर से आता है, बाहर से आता है। या आप अगर आप गाँव से मंगा रहे हो और ऑर्गेनिक कर रहे हो तो उसका तो बात ही अलग होगी और वो टेस्ट में लगता ही है, खाने के ही टेस्ट लगता है अलग। ये जो आलू वगैरह भी है ना, ये आलू भी हमारे खेत में बनता है। अच्छा दादा को आवड़े और दादा के इधर छाछ भी मिलता है? छाछ भी उनका भांजा है ना? भांजा भांजा। हाँ अभी अभी आया वो नया, वो भी बीएससी किया हुआ है, बीएससी हो गया उसका मेरा पति मुझे भी ना ही है। घर का बिजनेस है तो उसमें क्या है, खुद करेगा तो काम कुछ भी रहेगा चलेगा, इधर नौकरी करने से तो अच्छा यही करना ना। बहुत बढ़िया, खुद के इधर काम कर रहा है, मजा कर रहा है। अभी कभी तक चालू रखते हो? हमारा सवेरे से 6 बजे से रात को 8 बजे तक। सुबह 6 से 8 बजे तक आता है? ये कौन से एरिया? ये हिरणनगर काशीनाथ गांधीनगर नाट्यगृह के सेम अपोजिट साइड में। तो आप लोग को एड्रेस भी मिल चुका है और दादा का इधर टेस्ट भी मैं बोलता हूँ एक नंबर टेस्ट है। अगर आप लोग कभी आ रहे हो और थाना में हो तो आपको अगर मिसल का कुछ ऐसा है तो आपको ये जरूर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इधर आके एक बार टेस्ट करके देखो। दादा कुछ बोलना है आपको? एक बार टेस्ट करने आ जाओ, बाकी एक बार खाओगे बार-बार आओगे। तो चलो दादा थैंक यू, एक नंबर बना था आपका। यस यस। सो गाइस मिसल वगैरह खा के हम लोग का हो चुका है, काफ़ी मज़ा आया मॉर्निंग का आज, एकदम मज़ा आ गया। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल में नए रहेंगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना सबको। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखो। Bye-bye, take care.